आशा करते समस्ते भल जय हिंद जय जगन्नाथ। तो आज गोटे इम्पोर्टाट चैप्टर डिस्कशन करिया सॉइल ज्योग्राफी अच्छी। तो यार दीटा क्लास अपलोड हम भिड तो आज क्लास वन देन क्लास टू भी नहीं आसबी जो मैंने कंप्लीट सॉइल थियोरी कनसेप्ट क्लीअर होगा चाहते विथ मैप ज्योग्राफी मतलब मैप बिना मैप ज्योग्राफी पढ़ाया इम्पॉसिबल। तो से क्लास निहत देखु आशा करेंगे समस्त क्लास टी भल लगे क्लास देख सारापर आपर छोटिया जिनस गोटे करेंगे लाइकटे करेंगे क्लास को। ओके तो चलो डेरी नगर आरंभ करवा क्लास सॉइल। सॉइल को आम कौन कही था ओडिया मूर्तिका बाटी बोली आम कही था कौन कही था मूर्तिका बाटी बोली आम कही था बाटी बोली आम कही था कौन कहता मट्टी बोली कहता। अच्छा स्टडी ऑफ सॉइल कौन स्टडी ऑफ सॉइल है आमर सॉइल जे स्टडी करें कौन कह कौन कह आम स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोलॉजी। स्टडी कौन कह आम पेडोलॉजी 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 आउट वर्ड आसे पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस कौन नेचुरल प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन माने सॉइल जो फॉर्मेशन हुए कौन कह पेडोजेनेसिस पेडोजेनेसिस पी डी ओ जी ई एन ई एस आई एस पेडोजेनेसिस मो अक्षर भल नुह एडजस्ट कर पेडोजेनेसिस कौन फॉर्मेशन नेचुरल फॉर्मेशन ऑफ सॉइल नेचुरल नेचुरल फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोजेनेसिस। ओके तो जी आगे कौन आसला टाइप्स ऑफ सॉइल सैंडी क्ले लोमी टे लिभ सैंडी सॉइल क्या कहें सॉइल कौन ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स इज कॉल्ड सैंडी सॉइल मतलब जो थे बड़ बड़ पार्टिकल थे पार्टिकल कौन बिग पार्टिकल कौन बुझे आम पत्थर वगैरह थी हाला बाली मैंने बड़ पार्टिकल बाली आम सैंड गले कौन सैंड्रु आम सांडी बाली वगैरह जो थी हाला पत्थर स्मलेस्ट पार्टा कौन सैंड सैंड्रु आम कौन हम सॉइल तो आम कौन हम ना बिगेस्ट पार्टिकल मैंने ग्रेटर प्रपोर्सन बिगेस्ट पार्टिकल पूरा बाली अधिया थी आम कौन कह सैंडी सॉइल है कौन कह आम सैंडी सॉइल है मुझे अंडरलाइन भी करदे तो प्रपोर्सन अफ फाइन पार्टिकल्स इज रिलेटेड हायर देन इट इज कॉल्ड क्ले सॉइल। क्ले सॉइल कौन आम कह कादुआ क्ले मतलब कादुआ एक्चुअली बहुत फाइन था है तो से मतलब कौन तर एयर जीवार कैपासीटी बहुत कम था लगे बहुत टाइट मतलब एयर जीवा बहुत टाइट था ना बहुत पानी को बहुत हार्डली कैप्चर कर रखे है तो आम क्ले सॉइल कह नेक्स्ट कौन आसा तो लोमी सॉइल इफ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल इज कॉल्ड इज अबाउट द सेम है इफ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल इज अबाउट द सेम देन द सॉइल इज कॉल्ड लोमी सॉइल। लार्ज पार्टिकल आउ फाइन पार्टिकल्स है लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स कौन कह सेम थे बराबर जोड़ा थे कौन कह आम लोमी सॉइल बोली कह मतलब लार्ज पार्टिकल कह गोटे आस बिग पार्टिकल सैंडी सैंडी प्लस आम कौन आस क्ले अधिक प्रपोर्सन कौटा आस हायर हायर रिलेटेड क्ले ये पड़े कि ना क्ले मिस कौन हम ना लोमी लोमी ये जनकर मिश्रण बुझे ना लोमी सॉइल कौन हम ना सैंडी प्लस क्ले मिस कौन हम लोमी सॉइल बुझे ना वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रो द स्पेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल यदि बाली बालू बाली अधिया रही इजिली तो एयर खाली जगह थी आराम से वाटर पास कर बुझे ना सो सैंड सॉइल टेंड्स टू बी लाइट इन कलर वेल एरेटेड एंड ड्राई है जेनेली कौन सैंड सॉइलटा आम जेनेली बालू सॉइलटा कौन था ना कौन लाइट कलर था लाइक लाइट इन कलर है देन वेल एरेटेड मतलब एयर बहुत इजिली जीवास करें ड्राए भी था बहुत शुखिला भी था बुझीपारे ना क्ले पार्टिकल बिंग मच स्मलर पैक टाइटली टुगेदर लिविंग लिटिल स्पेस फर एयर है क्ले पार्टिकल मुझे आगुरी भी कहली है एयर जीवन जगह ना है बहुत टाइटली मैंने था एम कादुआटा बहुत भारी था मतलब बहुत मुठा कर बहुत भारी हो जाए कादुआटा बहुत टाइटली था लगे तर डेनसीटी बहुत अधिका जाए बुझे ना से कौन हम ना क्ले पार्टिकल बिंग मच
ले पार्टिकल बीइंग मोर स्मॉलर पैक टाइटली हैला पैक सो टाइटली टुगेदर थन देला लिविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर माने एयर जबे कोन बाट बहुत कम था लिटिल स्पेस माने ना कि बराबर ही था ऑनलाइन सैंड सोइल वाटर कैन बी हेल्ड इन टिनी गैस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ क्ले नेक्स्ट कोन मेन पॉइंट आसला एठी लिविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर सो क्ले सोइल हैव लिटिल एयर बट दे आर हैवी एज दैट होल्ड मोर वाटर देन सैंड सोइल क्ले सोइल आउट कथा कौन कहला तो एयर तो जापर फास्ट अफ कौन एयर तो जमा जापर नेक्स्ट कौन देना से होल्ड कर बहुत वाटर मैंने कैपासीटी बहुत वाटर को धरी रखार कैपासीटी कौन अधिक था लगे कौन ना क्ले सोइल कादु सोइल जेन्युइन कौन आम पा रही पार कितु बाली सोइल है कि बालू सोइल है सांडी सोइल है कौन अलरेडी जल्दी ड्रेन आउट होगा जल्दी सुखी जाए नेक्स्ट जीवा कौन अच्छे लोमी सोइल इज ए मिक्सचर ऑफ सैंड क्ले मूल कहली सैंड प्लस क्ले मिसी कौन आम लोमी सोइल लिखाजे एनदर टाइप ऑफ सोइल पार्टिकल इज नोन एज स्लिट है कौन कह स्लिट कह लगे बुझे स्लिट अकर्स एज ए डिपोजिट इन रिवर बेड्स एक्चुअली स्लिट को जगह मिले ना रिवर बेड्स मिले साइज ऑफ स्लिट पार्टिकल इज बिटवीन दोज ऑफ द सैंड एंड क्ले है मतलब साइज ऑफ स्लिट पार्टिकल क्या भितर क्या मजे एक्चुअली मैं सैंड ना सैंड ना क्ले जो मजा मजे कौन था ना स्लिट था लगे मैंने सैज स्लिट रईज है कौन ना ना बाई ना क्ले जो मजा मजा है तो द लोमी सोइल अल्सो हाज ह्यूमस इन इट है लोमी सोइल कौन ना ह्यूमस था बहुत बड़ जिन कौन था ना ह्यूमस बुझीपारे ना अंडरलाइन करदे पे मुझे तुम कराई दूसरी मुझे अंडरलाइन छाड़ दे तो है बुझला तुम बुझे दूसरी तो कौन थी ह्यूमस थी बहुत बड़ा लोमी सोइल कौन थी ना ह्यूमस इट अच्छे राइट वाटर होल्डिंग कैपासीटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट या पाखे कौन ना एक्चुअली ये जी दरकार राइट होल्डर वाटर राइट वाटर होल्डिंग कैपासीटी कहले कौन गोटे प्लांट जी वाटर दरकार ताकत क्षमता अच्छे एक लोमी सोइल पाखे क्षमता अच्छे जी वाटर दरकार से कैपासीटी करे आउ अधिका करे ना क्ले एंड लोमी सोइल आर बोथ सुटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स वेट लाइक वेट ग्राम सोइल आर गुड रिटर्न फॉर वाटर है तो केरल सोइल कौन आम सुटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स है लाइक वेट ग्राम यहाँ बेटर क्ले कौटा क्ले एंड लोमी सोइल है फॉर पेडी सोइल सोइल रिच इन क्ले ऑर्गेनिक मैटर्स हैविंग गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर एंड आइडियल है पेडी सोइल कौन मतलब ऑर्गेनिक मैटर अधिक था गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर एंड आइडियल है जी भल कैपेसिटी था कौन वाटर को होल्ड कर मैंने गुड कहे जी दरकार आम सब लिखाई जी आम एग्रिकलचर सब सोइल कोड़ा तो मैंने नोट डाउन कर ना कॉटन फॉर कॉटन सैंड लोमी सोइल विच आर ड्रेनेज लिखी देखिए तो मैंने यहाँ जरूर ना तो मैंने लिखी ना लगे बहुत इजी अच्छे यहाँ कह चाहूँ है नेक्स्ट जीवा यह तो कौटा क्या इंपोर्टाट पॉइंट मुझे कौटा तुम्हारे बहुत इंपोर्टाट है स्लाइड रहा इंपोर्टाट है यहाँ इंपोर्टाट एटा इंपोर्टाट नेटा इंपोर्टाट नेक्स्ट आउ कौटा आसो पूर्वर ए स्लाइडा एक दो तीन है बुझीपारे ना देन क्ले पार्टिकल यहाँ बहुत इंपोर्टाट जगह गुड़ाक बेस मार्क आउट कर नेक्स्ट कौन आसा सोइल प्रोफाइल लगे तो डिटेल्स पढ़िया अब सोइल प्रोफाइल सोइल प्रोफाइल कौन कह सोइल होराइजन कह बुझे ना तो अपरमोस्ट होराइजन इज जनरल डार्क इन कलर एज इट इज रिच इन ह्यूमस डार्क इन कलर अंडरलाइन इट इज रिच इन ह्यूमस अंडरलाइन एंड मिनरल्स है अपरमोस्ट कौन ना डार्क कलर था लाइक देन कौन या पिक्चर देखिए मुझे पिक्चर भी छाड़ी आसली जोड़ा या पूर्व आम जा देखा लाइक तो कौन डार्क इन कलर रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स ह्यूमस भरी था मिनरल्स ह्यूमस मेक्स द सोइल फर्टाइल एंड प्रोवाइड्स द न्यूट्रिएंट टू ग्रोइंग प्लांट्स है ह्यूमस कौन करे ना मेक्स द सोइल फर्टाइल है सोइल कौन करे ना फर्टाइल करे है उर्वर फर्टाइल उर्वरता है मैंने गच्छ बहुत भल है प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू ग्रोइंग प्लांट है प्लांट बढ़िया कौन न्यूट्रिएंट वगैरह दरकार आम मानक बढ़िया आम मानक जो न्यूट्रिशन वगैरह दरकार है विटामिन मिनरल्स न्यूट्रिशन दरकार प्लांट को दरकार कि नहीं तो से कौन ना ये कौन करे ना सोइल फर्टाइल कले कौन ना ये प्रोवाइड करे न्यूट्रिएंट टू ग्रोइंग प्लांट है गच्छ बढ़िया कौन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट
पोर्स कैन रिटेन मोर वाटर इट इज कॉल्ड टॉप सोइल और ए होराइजन कौन कह टॉप सोइल कह ए होराइजन कह जेनेल कौन सॉफ्ट था जेन उपर मटर आम सॉफ्ट था कि नहीं कथा ही सही कहला सॉफ्ट पोर्स इट कैन रिटेन मोर वाटर यहाँ कौन अधिक वाटर होल्डिंग करें तो नेक्स्ट लेयर हाज लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स है नेक्स्ट लेयर कौन कम अमाउंट कौन था ह्यूमस था अच्छा आउ गोटे कथा मन रख सोइल तो मैंने जिते तलू तलू जी है मान जो जीरो रु 15 सेंटीमीटर है तर सब लेयर अच्छे लाइक जीरो 15 30 रु 45 एमती सेंटीमीटर है जिते तुम डीप खोल खोली जीव सोइल तर सोइल से अनुसार कौन ना तर ऑर्गेनिक मैटर मतलब ऑर्गेनिक कैपेसिटी है जिनका ह्यूमस न्यूट्रिशन आस्ते आस्ते सब कौन कमी कमी जो मान जीरो रु 15 जी हाई देख 15 30 आ कम देख 30 45 आहरी कम देख बुझीपारे तो आस्ते आस्ते कौन होगा कमीजी है तर नेक्स्ट लेयर आसने मैंने कौन ऑटोमेटिक ह्यूमस कमीज बट मोर मोर ऑफ मिनरल्स बट तरह कौन रहा ना मिनरल सब अधिक रुझीपारे ना आपको यहाँ जेनेल हाड़ रोर मोर कंपैक्ट है बहुत हार्ड था कि कंपैक्ट मैं था यहाँ कौन कह बी होराइजन कह फास्ट कौन आप ए होराइजन टॉप सोइल को ए होराइजन कहला नेक्स्ट लेयर कौन कह बी होराइजन मिडिल लेयर कह मिडिल लेयर थर्ड लेयर इज सी होराइजन थर्ड लेयर आम कौन कह सी होराइजन है यहाँ मुझे लिखे दे कौन मेड ऑफ स्मॉल लम्स ऑफ रॉक विथ क्रैक्स है थर्ड लेयर आम कौन कह सी होराइजन कहला मेड ऑफ स्मॉल लम्स ऑफ रॉक्स है छोटो रॉक था ना विथ क्रैक्स ओके ओके पूरा पिक्चरटा बुझीदेबा है ये आमर कौन अच्छे मुझे कलर चेंज कले पेन रे ए होराइजन कौन ना एर कौन ह्यूमस और ऑर्गेनिक है ओ होराइजन जोटा सॉरी ओ होराइजन बा टॉप सोइल है ओ होराइजन सरफेस लेटर पार्टिकल पार्टिकल डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है ए होराइजन टॉप सोइल है टॉप सोइल आम कौन हम देख डार्क कलर अच्छे यहाँ डार्क कलर अच्छे कि नहीं बुझे आस्ते आस्ते जिते आम तलू तलू जा सोइल से कौन ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर कमी कमी है से जिते कौन तार मिनरल्स वगैरह सब आस्ते आस्ते कमीज बुझीपुर ना तो देन ए होराइजन कौन दे टॉप सोइल ह्यूमस लिविंग क्रिएटर इन ऑर्गेनिक मिनरल्स है ये होराइजन कौन जोन ऑफ लिविंग जोन ऑफ लीचिंग है जोन ऑफ लीचिंग मटेरियल मूव डाउनवर्ड्स है जोन ऑफ लीचिंग मूव टू डाउनवर्ड्स ई होराइजन एलिवेटेड होराइजन है यहाँ कौन आम ई होराइजन है ए पर ई तार बी कौन है बी होराइजन सॉफ्ट सोइल टॉप सोइल देन सॉफ्ट सोइल है बी कौन कह सॉफ्ट सोइल बोली कह बी कौन कह सब सोइल बोली कह आयरन आलुमिनियम ह्यूमिक कंपाउंड्स आर एक्युमुलेटेड एंड क्ले लीच डाउन फ्रॉम ए एंड ई होराइजन है बुझीपारे ना तो यहाँ कौन बी होराइजन कौन ना सब सोइल है ह्यूमिक कंपाउंड्स आर एक्युमुलेटेड एंड क्ले लीच डाउन फ्रॉम ए टू ई है क्लेटा कौन लीच डाउन है नेक्स्ट कौन है सी होराइजन वेदर पेरेंट मेटेरियल ब्रेकडाउन इनऑर्गेनिक मिनरल्स जोड़ा कौन आसला सी होराइजन यहाँ कौन आसला सी होराइजन तर आर आसला बेड रॉक है बेड रॉक कहला जो पत्र बगर थी कौन कह बेड रॉक होराइजन कह ओके पढ़ेली यहाँ ओ होराइजन लेयर से डोमिनेट ऑर्गेनिक मटेरियल है ये पूरा ऑर्गेनिक मटेरियल प्रथम लेयर बुझीपारे ना कौन आसला ऑर्गेनिक मटेरियल प्रथम मान पूरा लेयर मैंने थाक थाक ऑर्गेनिक मटेरियल अच्छे है ओ होराइजन है सब उर्वर है ए होराइजन सरफेस सोइल ए होराइजन कौन कह सरफेस सोइल अच्छा कलर टी चेंज कर देखा ओ होराइजन कौन ना ए होराइजन सहित मिसिक था लाइक विथ मिनरल्स मेटेरियल ऑर्गेनिक मेटेरियल इज मिक्सड विथ मिनरल्स मेटेरियल ऑर्गेनिक मेटेरियल कौन ओ होराइजन ए लेयर कौन है सी आस मिसला सहित मिनरल्स वगैरह मिसला ऑर्गेनिक मेटेरियल दिस लेयर इज डिप्लीटेड और एलिवेटेड आयरन क्ले एल्युमिनियम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड अदर सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है लेयर कौन अच्छे क्ले अच्छे आयरन अच्छे एल्युमिनियम अच्छे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह सब अच्छे है तर ई होराइजन ई स्टैंड्स फॉर एलिवेटेड लेयर एलिवेटेड लेयर इट इज द होराइजन दैट हैज बीन सिग्निफिकेंटली लिस्ट ऑफ क्ले आयरन एल्युमिनियम ऑक्साइड व्हिच लीव्स ए कंसंट्रेशन ऑफ रेजिस्टेंट मिनरल्स सच एज क्वार्ट्ज एंड सैंड एंड सिल्ट लेयर्स है त
तो इतने कौन ना क्ले रही आयरन रही आलुमिनियम आलुमिनियम ऑक्साइड रही रेजिस्टेंस मिनरल कौन सब क्वाजेट एंड स्टैंड एंड स्लेट वगैरह रही स्टैंड स्लेट मुझे कहीकि आस तुम तो यहाँ सब कौन था ना इरीजन यहाँ कौन एट ओनली प्रेजेंट प्रेजेंट ओनली इन ओल्डर वेल डेवलप्ड सॉइल जनरली अपर बिटवीन द ए एंड बी होराइजन एटा को को जाते ना ए और बी होराइजन मजा मजे रे एटा थाए बुझी पारछो कि नै नेक्स्ट कोन अछि जीवा पिले ओके से पिक्चर टा आ थरे मु मैप पे लगे दिछि तुम देखि देबा लगे ए बी सी सी आर होराइजन तापर कोन आछला हमरो बी होराइजन और सॉफ्ट सॉइल बी होराइजन हम कोन कहबा सॉफ्ट सॉइल बोली कहबा बुझियो तने एटा कोन एटा सरफेस लेयर रिफ्लेक्टिंग केमिकल और फिजिकल अल्टरनेशन पैरेंट पैरेंट मटेरियल है एटा रिफ्लेक्टिंग केमिकल और फिजिकल अल्टरनेशन पैरेंट पैरेंट मटेरियल एटा कोन होए ना एक्युमुलेट्स ऑल द लीस्ट मिनरल्स फ्रॉम ए एंड ई ए एंड ई होराइजन है ये एक्युमुलेट करे कोन ऑल द लीस्ट लीस्ट मिनरल्स माने जोडा पहुंची आइथि बा लागि तळु तळु जोडा आसी आइथि बा लीस्ट मिनरल्स गुण ए और ई होराइजन एक्युमुलेट करे लागि बी होराइजन और सबसेल अपन करे ना ए लिस्ट करे मिनरल को ए आउ ई होराइजन हले मतलब एक्युमुलेट एक्युमुलेट कर दिया हले माने गोटे रानी रखी दिया एकाठी करे हले बुझियो ना सी होराइजन पेरेंट रॉक्स भाई ये भी शेयर करे हले वो तो पेरेंट मटेरियल एक्युमुलेट इन दिस लेयर हले ये कोन करे ना एडी में लिखा जी कोन करे ना एक्युमुलेट करे कोन पेरेंट मटेरियल हले माने ये जोटा पेरेंट मटेरियल इन दिस लेयर हला ये जो पेरेंट मटेरियल कोन कोन करे ना एक्युमुलेट करे पेरेंट मटेरियल इन द सेडिमेंटरी डिपोजिट्स हला एटा कोन सेडिमेंटरी डिपोजिट्स से था हला दिस लेयर मे बी एक्युमुलेट मोर सॉल्युबल कंपाउंड्स और इन इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हला ये कोन करे ना बेसी एक्युमुलेट करे सॉल्युबल कंपाउंड्स हला कोन एक्युमुलेट करे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स और सॉल्युबल कंपाउंड्स कोन करे ना एकाठी करे हला आर होराइजन हला आर होने जे बेड रॉक हला लास्ट होराइजन जोटा पत्थर वगैरह था लाइक अनलाइक द अबव लेयर्स आर होने जनरल कंपाउंड्स कंटेनिंग मास हार्ड रॉक हला जोड़ा पत्थर वगैरह लास्ट तल तल जोड़ा भारा मैंने कौन से पोखरी वगैरह खोला तो देखिए लास्ट पत्थर वगैरह भरा लगे सीटा कौन ना आर होराइजन बेडरॉक होराइजन बुझे कि ना से को होराइजन भाव ना आर होराइजन मतलब बेडरॉक होराइजन कहवा ओके आशा करूँ ये बुझीपार थो तो जो मैंने ये बुझीगल क्लास को लाइक शेयर चैनल टे सब्सक्राइब करदेव ओके दे नेक्स्ट कौन आसला फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस सॉइल फॉर्मेशन इन इंडियन कंडीशन है आम इंडियन कंडीशन सॉइल किमी तैयारी हुए बुझे ना फास्ट आम इंडियन कंडीशन सब कुछ पढ़ा कौन स्टार्टिंग आम कंट्री आगे ना से आम देश में सब कुछ जाना है आम देश में सॉइल तैयारी होपर बाकी दुनिया विषय चिंता करें आगे देश पेरेंट मटेरियल कह कौन आम रॉक फ्रॉम व्हिच सॉइल आर फॉर्मल मैं पेरेंट मटेरियल रॉक फ्रॉम व्हिच सॉइल सॉइल आर मैंने जो सॉइलटा को रॉक रु तैयारी है ला को पत्थर वगैरह अच्छी को एरिया को पत्थर तो विभिन्न विभिन्न एरिया अच्छे ना आमर तो हिल माउंटेन एरिया अलग अलग अच्छे हिमालयन अच्छे डेकान अच्छे देन आप वेस्टर्न घाट ईस्टर्न सब अलग अलग अच्छे ना तो से जो से जो रिजन जो पत्थर गुड़ा आस कहना पेरेंटल मेटेरियल भी आम कह से रॉक को कौन कहना पेरेंटल रॉक भी आम कह जो जो रिजन से आसे तार कौन कलर समस्त अलग था बुझे ना कलर समस्त अलग था मिनरल्स कंपोजिशन समस्त अलग थी मिनरल कंपोजिशन समस्त अलग थी बुझीपारे ना कंपोजिशन टेक्सचर मैं अलग थी टेक्सचर अलग थी नेक्स्ट आस क्लाइमेट क्लाइमेट तो आम इंडिया के क्लाइमेट कौन आम फिल कर मोस्ट प्रोबेबली गोटे कौन समर बा हॉट है कोल्ड आगे कौन रेन तीन टा मैच आम जेन क्लाइमेट फिल करूँ ना तो क्लाइमेट जो कौन है ना सॉइल फॉर्मेशन है बुझे ना तार टोपोग्राफी टोपोग्राफी देन कौन आसला ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिजम कह माइक्रो 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 लाइक बैक्टीरिया बैक्टीरिया फंगस एक्टिनोमाइसिट से मैंने कौन सॉइल फॉर्मेशन हेल्प करती बुझीपारे ना तर टाइम सब बड़ जिस कौन टाइम सॉइल फॉर्मेशन बहुत लॉन्ग टाइम लगे गोटे पत्थर गोटे बड़ बहुत बड़ रॉक थी से पानी से पिटी तो पूरा सैंड पार्टिकल हम सैंड पार्टिकल फिर जाए सॉइल फॉर्मेशन बहुत लॉन्ग प्रोसेस बहुत गोटे बड़ पत्थर तर आउट छोट प्रोसेस पत्थर हम देन तर आउट छोट हम देन आउट छोट हम मैंने कैसे स्मलेस्ट पार्टिकल जाए कौन सॉइल फॉर्मेशन टाइम टा सब कौन ना बहुत बड़ जिन सॉइल फॉर्मेशन सब बिगेस्ट प्रॉब्लम कौन टाइम है तो टाइम मैनेजमेंट
हेले जाइ टाइम जिते जल्दी मतलब हुए नहीं कभी सॉइल है आराम से टाइम लगे से कौन ना तो टाइम इतना रखाइए ना प्रोसेसर टाइम लगे सॉइल प्रोसेसर ओके तो आशा करते जी आप बुझीपे थैंक्स फॉर वाचिंग थैंक्स फॉर योर टाइम तो जो मैंने भिडटी देखुन प्रथम शेष जाए प्लीज गोटे कथा कह छोट कथा गुरु दक्षिणा हिसाब से सब्सक्राइब लाइक कमेंट भी दियो सर कौन एटा असुविधा लगे देन शेयर ओके रही अशेष अशेष धन्यवाद।